उदयपुर में घायल स्टूडेंट की मां ने प्रशासन पर बच्चे से नहीं मिलने देने के आरोप लगाए हैं। रविवार सुबह घायल स्टूडेंट की मां के साथ बड़ी संख्या में लोग शहर के मुखर्जी चौक पर पहुंचे। यहां से वो नारेबाजी करते हुए एमबी हॉस्पिटल पहुंचे हैं। रैली में मौजूद लोगों ने तनातनी भी हुई। हालांकि फिलहाल स्थिति कंट्रोल में और पुलिस प्रशासन के अधिकारी लोगों से समझाइश कर रहे हैं। चाकूबाजी की घटना के 48 घंटे बाद शहर में जनजीवन सामान्य है। रविवार सुबह भी कई इलाकों में बाजार खुले, हालांकि पूरे शहर में बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। सुरक्षा के लिहाज से आज भी शहर में इंटरनेट बंद रहेगा। इससे पहले शनिवार को आरोपी स्टूडेंट के अवैध बने घर को नगर निगम ने ढा दिया। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने बताया कि जिस घर को ढाया गया वहां हथियार भी मिले थे। वहीं जयपुर से पहुंची डॉक्टर्स की टीम और एमबी हॉस्पिटल के विशेषज्ञों ने बच्चों की हालत को देखते हुए उदयपुर में ही आगे के इलाज का निर्णय लिया। इससे पहले शनिवार को बच्चे को एयरलिफ्ट कर जयपुर लाने की तैयारी थी। दरअसल छात्र की जांघ में चाकू लगने से सिर तक खून पहुंचाने वाली नस कट गई है। डॉक्टर्स ने दो नसों को जोड़ दिया है। आरएनटी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विपिन माथुर ने बताया कि स्टूडेंट को अब तक 12 यूनिट ब्लड चढ़ाया जा चुका है। शनिवार को घायल का कार्डियक आईसीयू से इमरजेंसी आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया।